हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मेघालय सीरीज। पिछले वीडियो में हमने देखा मौसमाई केव, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। अभी हम जा रहे हैं, भाई मैप दिखा रहे हैं, दो वाटरफॉल्स है वहाँ पे, जाने के बाद में नाम बताएंगे। सो लेट्स गो। अभी हम पहुँचे डायंथर वाटरफॉल्स के आसपास। यहाँ पे जो है गाड़ी एकदम साइड में ब्रिज के पास में पार्क किया है। यहाँ का व्यू देखो। बस तू ही टाइगर। और ये जगह जो है काफ़ी मतलब मशहूर है, चिरापुंजी के पास में है। वाटरफॉल का बेस्ट पार्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल्स है हम देखने के लिए जो है नीचे जाते हैं, बॉटम ऑफ द वाटरफॉल्स। बट अगर आप देख रहे होंगे तो इस वाटरफॉल में हम ऊपर तक आ सकते हैं। जो टॉप ऑफ द वाटरफॉल रहता है वहाँ पे आके हम ये व्यू देख सकते हैं। बारिश का सीज़न होने के कारण पानी बहुत ज़्यादा था और व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत सारे पॉइंट्स जब करने होते हैं तो फटाफट पॉइंट्स कवर करके निकलना चाहिए, बट हमारा ऐसे हो रहा है कि जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे खो रहे हैं, क्योंकि जगह ही इतना सुंदर है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। प्रो टिप, जब ऐसे बहाव से जाते हैं तो जो स्टेप्स है वो पास पास में रखना, नहीं तो दूर रखोगे तो बैलेंस गिर के नीचे बह सकते हो। कुछ लोकल लोग मिले थे यहाँ पे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जल्दिया। फिर डायंथर वाटरफॉल से हम आ गया है वेसोंगदोंग वाटरफॉल के लिए। ये काफ़ी पास में है, 15 से 20 मिनट लगता है आपको यहाँ तक पार्किंग में आने के लिए, और ये ट्रेक जो है नीचे आने के लिए आपको आधा से एक घंटा समय लगता है ट्रेक करने के लिए यहाँ पे। यूट्यूब का स्ट्रगल पार्ट 2। देखो 47 है, फिर भी ट्रैक करने का अगर आपका मनीषा है तो कहाँ पे भी पहुँच जाते हो। अरे बाप रे, केदारनाथ तक गया, क्या बात है, वाह। सिक्स, बट पता नहीं, चल देखते हैं। हम जो है तो यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता था, वहाँ से व्यू पॉइंट से नीचे आए। वेसोंगदोंग वाटरफॉल के लिए दो पॉइंट्स है, एक तो सिर्फ ऊपर से आप देख के जा सकते हो, नहीं तो
नीचे भी यहाँ पे आ सकते हो अगर पानी में आपको खेलना है तो। थोड़ा डिफिकल्ट है बट मुश्किल नहीं है। ये जो है तीन स्टेप का वाटरफॉल है, तो मैं जो है जा रहा हूँ एकदम जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे पानी में थोड़ा सा डूबेंगे फिर नीचे आता हूँ, तब तक आप ड्रोन शॉट देख लीजिए। यहाँ पे जो है तो मैं सेकंड स्टेप में थोड़ा स्विम करने के लिए ऊपर आया, तब तक प्रफुल्ल नीचे पानी में एंजॉय कर रहा था। ओ नाइस गियर, व्हाट्स योर नेम? अभितोष फ्रॉम त्रिपुरा। त्रिपुरा, ओके। यू कैन हियर फर्स्ट टाइम? या फ्रॉम वेयर? फ्रॉम महाराष्ट्र। या व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? या वही वाटरफॉल, वही शतरंग फॉल। हम सेकंड स्टेप पे यहाँ पे, तो अभी जाता हूँ पानी में, दिखाता हूँ आपको कितना गहरा है। ये काफ़ी स्लीपरी था यहाँ पे। पानी का इतना शोर था यहाँ पे कि बाकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। काफ़ी एक डेढ़ घंटा जो है पानी में स्विम किया यहाँ पे, कुछ जंप वगैरह किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमें जंप करने के लिए गए, टाइम आने के लिए गए तो स्लिप हो गया। लिखा हुआ है, अच्छा हुआ ये अभी जाते समय देखा मैंने। तो उसमें से आधी चीज़ें तो नहीं करता हूँ मैं, बट जो स्विमिंग वाला चीज़ है वो भी शायद ना करता अगर पहले देखा होता तो। बट एंजॉय द लॉट। चलो फिर अभी चलते हैं रिटर्न, होप यू ऑल्सो एंजॉय द ब्लॉग। जो लास्ट वाला पैच था वो काफ़ी रिस्की था, और ये सीढ़ियाँ छोटी छोटी थी। ये व्यू पॉइंट और नीचे जाने के लिए रास्ता था। चलो लेट्स गो। अपना फाइनली जो ट्रैक है वे सौ डोंग अभी करेक्टली प्रोनाउंस किया होगा, तो यहाँ पे हम ट्रैक करके ऊपर आ गए। अभी अंधेरा हो रहा है, मतलब ये टाइम पे अंधेरा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 o'clock टाइम हो रहा होगा। और बाय द वे हाँ, यहाँ पे जो है सनसेट जल्दी होता है और सनराइज़ भी जल्दी होता है, मतलब 5 o'clock अराउंड पूरा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और सुबह जो है 5 o'clock दिन निकल जाता है। अभी देखो आप कितना अंधेरा लग रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रास दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है ये इधर। अभी एक रेस्टोरेंट में रुके, यहाँ पे खाना खा रहे हैं, नाम है गोल्डन स्पून। सो गाइज, ये था हमारा डे टू, काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया और चेरापूंजी में ही हमने यहाँ पे रेस्ट किया। दूसरे दिन हम निकले डबल डेकर के लिए। सो थैंक यू सो मच। लगभग एक घंटे के बाद में